नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। लाठी डंडा कुल्हाड़ी के साथ मारपीट कर जख्मी कर देने और गर्भवती महिला के पेट में बहुत घूसे मारकर उसके 5 माह के गर्भस्थ शिशु के निधन हो जाने वाले आरोपियों की शिकायत लेकर आज कुछ लोग रीवा एसपी कार्यालय पहुंचे। बताया गया है कि पीड़िता राजकुमारी पत्नी राजेंद्र साकेत निवासी ग्राम धौचट थाना चौरहटा जिला रीवा की है और उसका मायका ग्राम हिनौता थाना सेमरिया में है। विगत 23 मई को अपने मायके ग्राम हिनौता गई थी। वहीं दिनांक 26 मई की दोपहर मोहल्ले के आरोपी गण राजकुमार साकेत, आशीष साकेत, रहीर साकेत, विवेक साकेत, सुंदरलाल साकेत, सभी के पिता रामलाल साकेत, रन्नू पत्नी आशीष राजकली, पत्नी रामलाल राजकुमार पत्नी इत्यादि आरोपी गणों ने एक राय होकर पूर्व रंजिश के कारण लाठी डंडे टांगी से लैस होकर राजकुमारी के भाई मां के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। जब राजकुमारी बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी गणों ने उसके साथ भी लात घूसों से मारपीट की। मारपीट से राजकुमारी के पेट में दर्द उठा और ब्लीडिंग होने लगी और उसका 5 माह का गर्भस्थ शिशु पेट में ही खत्म हो गया। वहीं उसके भाई को भी काफी चोट पहुंची है। इस मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। खास बात यह है कि घटना रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के गृह ग्राम हिनौता की है और उसके घर के सामने के घर में घटित हुई है। क्या नाम है आपका? जगतदेव साकेत। आज आप एसपी कार्यालय ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है? मांग ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 महीना हो गया सर। क्या घटना हुई? घटना टांगी मारे सर पे, नहीं 8 टांका लगे हैं। बहन के पेट में लात मार दी, उसका बच्चा मर गया। बिशी हॉस्पिटल में एडमिट थी 6 दिन, अभी तक बोल रहे कोई मेडिकल नहीं आई है। हर जगह आवेदन दिया, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। मुजरिम अभी भी टांगी लेकर घूमता मारने के लाने। आशीष साकेत, रहीर साकेत, राजकुमार साकेत, विवेक साकेत, सुंदर साकेत। कहाँ की घटना है, कब की घटना? ये 26 तारीख घटना है, हिनौता संसद जी घर के सामने घर है, बघेलन टोला। कार्रवाई नहीं हुई सर। साहिबपुर चौकी में एक दिन रहने पकड़े थे, किसी ने बच्चा मर गया था, फिर 24 घंटे छोड़ दिए उनको वहीं से। तो अभी आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।